नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। टिगरी गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग और किले। बिहार में स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। गुड़गांव में पुलिस की मौजूदगी में हुए जुम्मे की नमाज। कोरोना अपडेट, एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए मामले। करीब एक साल से बंद पड़े दिल्ली उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर अब खुल रहे हैं। किसान आंदोलन वाली जगह से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। कटेली तारे हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। इसी के साथ साफ हो गया है कि रास्ते किसने बंद किए थे। बहुत समय से इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ते बंद हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, लेकिन किसान नेताओं का साफ कहना था कि रास्ते उन्होंने नहीं, दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं। और अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार रात से ही टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। शुक्रवार को इसमें तेजी आई। नेशनल हाईवे 9 और 24 को खोल दिया गया। इसे देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहराया है कि रास्ते किसानों ने नहीं रोक रखे। उन्होंने रास्ते खोलने को सही बताया और कहा कि अब किसान संसद में जाकर अपनी फसल बेचेंगे। स्टाइपेंड में वृद्धि को की मांग को लेकर पीएमसीएस समेत बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। मंगलवार से पीएमसीएस समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी। उधर इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ चुका था। कई मरीज इलाज नहीं होने के कारण घर वापस लौट रहे थे। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि IGIMS समेत देश भर के अन्य मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों को 30,000 से 35,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जबकि हम लोगों को केवल 15,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है। इन डॉक्टरों ने पीएमसीएच प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी चेतावनी दी है कि अगर उनके स्टाइपेंड को बढ़ाने की तत्काल घोषणा नहीं की गई तो वे ओपीडी और वार्डों में इलाज रोक देंगे। धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों ने कहा कि स्टाइपेंड के तौर पर उन्हें अभी भी 15,000 रुपये प्रति माह मिलता है, जो एक राजमिस्त्री की मजदूरी से भी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों से स्टाइपेंड की समीक्षा नहीं की है। उनका कहना है कि IGIMS में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद तत्काल उनके स्टाइपेंड वृद्धि की घोषणा कर दी गई थी। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में नमाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस ने हालांकि शुक्रवार को कुल 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी, लेकिन कुछ हिंदू संगठन पिछले 5 सप्ताह से नमाज के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे ही जुम्मे की नमाज का वक्त हुआ तो हिंदू संगठन के सदस्य नमाज की जगह पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कुल 30 लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुग्राम में मस्जिदों की संख्या कम है, इसलिए इलाके में पुलिस ने जुम्मे की नमाज के लिए जगह निर्धारित की है, मगर इन जगहों पर न होती नमाज का विरोध विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन के लोग पिछले 5 हफ्ते से कर रहे हैं। सेक्टर 12A में भी पिछले हफ्ते नमाज के दौरान इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर हंगामा करने की कोशिश की थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने इस तरह की उग्रता को रोकने में पूरी सख्ती दिखाई है। और आखिर में हम बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार यानी 29 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 14,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन में 800 से भी ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित लगभग 13,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 345 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 3,42,00,000 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,55,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 3,36,00,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,60,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 1,04,82,966 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 74,33,392 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।